हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सिलाई मशीन के पौधान पे पैरों का पोजीशन क्या होना चाहिए, जिससे सिलाई आपका हमेशा सिलाई मशीन सीधा चले। और जो लोग नए नए होते हैं उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिलाई में उल्टा चल जाने से आपका हुक में धागा फंस जाता है, उन्हें सिलाई उससे सिलाई मशीन आपका कड़ा चलने लगता है, हार्ड चलने लगता है। तो आइए बताते हैं कि पौधान पे पैरों का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी सिलाई मशीन से रिलेटेड आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सिलाई मशीन से रिलेटेड आपको किसी भी सिलाई मशीन में कोई तरह का अगर दिक्कत होता है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधान पे जब भी हम पैर रखेंगे तो पौधान का जो भील होता है, चक्का जो होता है, उस तरफ अपना हम दायां पैर रखेंगे और बायां पैर लास्ट में रखेंगे। आप यहाँ पोजीशन देख सकते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिलाई मशीन का जो फीता होता है वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, जिससे होता है मशीन हार्ड चलता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे और इस तरह से पोजीशन रखेंगे, जिससे हमें कभी कभी ये भी होता है जिससे आप मशीन को बिना आप मशीन का चक्का बिना आप घुमाए हुए आप पैरों से भी आप मशीन सीधा चला सकते हैं। तो इस तरह से रखना है क्योंकि चलते चलते अगर सिलाई मशीन रुक भी जाए या रोकना पड़े तो पैर के मदद से ही सिलाई मशीन को हम सीधा चला सकते हैं। इस तरह से ये पोजीशन होना चाहिए, जिससे कभी भी आप चाहें तो पैर के मदद से ही सिलाई मशीन आप सीधा चला सकते हैं सिलाई मशीन को। ये पोजीशन होना चाहिए, कभी रुक भी जाए तो आप सीधा आराम से आप चला सकते हैं। अगर ये पोजीशन रहेगा और सिलाई मशीन सीधा चलेगा तो सिलाई मशीन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, उल्टा चलेगा हमेशा प्रॉब्लम होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।